हेलो किड्स, वेलकम टू द रेडियन प्री स्कूल। आवर टुडे सब्जेक्ट इज फॉर इंग्लिश एंड वी आर गोइंग टू लर्न स्मॉल कर्सिव लेटर ऑफ ई। ओके किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट ई का साउंड, इट्स अ स्मॉल कर्सिव लेटर ऑफ ई। ई का ए और ई दोनों होता है तो हम दोनों ही बोलेंगे। ओके चलिए, ई ए एलिफेंट, ई ए एलिफेंट, E E eagle, E E eagle, E E ice, ice, E E ice, E E ears, E E ears। Okay, so हमने दोनों साउंड किए हैं। So let's write in our book। Now kids, look at here our textbook page number 18. Okay, E is for eagle. E, it's a letter of E. Kids, सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी, देखो यह हमारा ग्रास लेटर है। हमने तीन लेटर्स में डिवाइड करने वाले हैं, ग्रास लेटर, स्काई लेटर एंड रूट लेटर। ग्रास लेटर, स्काई लेटर एंड रूट लेटर। चलो तो ये हमारा ग्रास लेटर है। ग्रास लेटर मैम अगर आपको बोलेंगे ना कि चलो ये हमारा ई है, ग्रास लेटर है, सो यू ओनली हैव टू राइट डाउन दिस लेटर बिटवीन टू ब्लू लाइंस। ओके चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ई कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देन मेक अ लिटल बिट ऑफ को, यहाँ थोड़ा सा सर्कल बनाना है और ऐसे कर्व करना है। ओके चलिए मैम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, स्लैंटिंग लाइन कर करके सी। अंडरस्टूड दैट हाउ टू डू? इफ़ यू विल ट्रेस ओवर हियर यू लर्न इट वेरी वेल दैट हाउ टू राइट सी। ई ए एलिफेंट, why it is a grass letter, because we are writing this in these two blue lines, okay, between two blue lines। चलिए, e a elephant, e a elephant, it is so small, e a elephant। दूसरा क्या आएगा? E A eagle, E A eagle, E A eagle। Okay, so with this pattern only you have to write down our E A eagle, E is for eagle in our book। Okay kids, so do practice for this letter at your home, stay at your home, have a nice day। Thank you kids, bye।